हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट एंड फूड। आज की हमारी रेसिपी है खोया बर्फी। इंस्टेंट खोया बर्फी है, इसे हम बिना मावा या खोया के बनाएंगे। अभी त्योहार का सीजन है तो इसलिए एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखें। इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनेगी ये, बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। और ये देखिए, दिखने में भी एकदम बाहर की जैसी, हलवाई जैसी, मार्केट स्टाइल लग रही है ये। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे एक कप दूध और 10 से 15 सेकंड के बाद जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दूध को बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं लेना है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि लम्ब्स पड़ जाते हैं, जो मिल्क पाउडर है इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो फिर हमारी जो बर्फी है वो अच्छी नहीं बनेगी। एक और चीज़, आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप नॉनस्टिक बर्तन ही लें क्योंकि ये जो मिल्क पाउडर है वो जल्दी से तली में लगने लगता है और जलने का डर रहता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप नॉनस्टिक बर्तन ही लें। और दूसरा, आप इसको कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते रहें। ये देखिए, ऐसे मिलाते हुए हमें इसके जो लम्ब्स हैं वो इसके अंदर अच्छे से डिजोल्व करने हैं, अच्छे से मिला लेना है इसके अंदर जो इसकी गुठलियाँ पड़ गई हैं वो। यहाँ पर एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो आपको मिल्क पाउडर लेना है वो आप वाइटनर ना लें। जैसे कि जब आप कभी भी सुपरमार्केट या बाहर कहीं जाते होंगे, देखते होंगे तो जो मिल्क पाउडर मिलता है एवरीडे का, नॉर्मली लोग जो यूज़ करते हैं एवरीडे वाला जो मिल्क पाउडर हम चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो है वो स्वीटनर होता है, वो वाइटनर बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर शुगर मिक्सड होती है। तो आप वो वाला मिल्क पाउडर ना लें। यहाँ पर जो पतंजलि से आपको मिल जाएगा वो वाला आप पाउडर ले सकते हैं, मिल्क पाउडर, या फिर कहीं और भी मिल जाएगा लेकिन वाइटनर ना हो, मिल्क पाउडर हो। और दूसरी बात, पतंजलि में भी जो मिल्क पाउडर मिलता है वो दो तरह का होता है, एक जो एक स्किम्ड होता है जिसके अंदर बिल्कुल फैट नहीं होता और एक होता है नॉर्मल मिल्क पाउडर, तो आपको नॉर्मल वाला लेना है जिसके अंदर फैट होता है। तो ये देखिए, अब इसको हम इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो फ्लेम है उसको आप लो कर लीजिए क्योंकि ये जो मिल्क पाउडर है बहुत जल्दी से नीचे चिपक जाता है। तो अब इसके अंदर फैट नहीं है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा फैट मिला लेंगे। बाहर से जो हम खोआ लेके आते हैं उसके अंदर फैट होता है, लेकिन जो मिल्क पाउडर से जो हम बना रहे हैं, वैसे तो हमने इसे फुल क्रीम वाला लिया है, फैट वाला है, लेकिन फिर भी इसमें इतना फैट नहीं होता। जो हमें प्रॉपर चिकनाई चाहिए उसके लिए हमें इसके अंदर 1 चम्मच घी ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। अब हम इसको ऐसे चलाते हुए मिला लेंगे। ये देखिए, किनारे से उतार लेते हैं और इसको इसके अंदर मिक्स करते जाते हैं। ये देखिए, ऐसे चलाते हुए। बहुत इंस्टेंट रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, जितनी देर में ये बनेगी उतना कंटिन्यूसली हमें इस पर काम करना पड़ेगा, इसको हमें चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप नॉनस्टिक पैन ही लें। ये देखिए, ऐसे घुमाते हुए ये सारे जो इसके लम्ब्स थे वो हमने पूरे डिजोल्व कर लिए, थोड़े बहुत बचे हैं ये भी धीरे धीरे पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसकी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये देखिए, ऐसे हमें इसे चलाते जाना है। और फ्रेंड्स, त्यौहार का सीज़न है तो मिठाइयों की काफ़ी डिमांड होती है, तो इसलिए कभी कभी हमें श्योरिटी भी नहीं होती, कभी कभी हमें मिलावट की मिठाई भी मिल जाती है। तो अगर हम घर पर बनाएंगे तो वो बिल्कुल प्योर होगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी, ऊपर से इन्हें बनाना भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, 7-8 मिनट के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो काफ़ी गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से इसे, जब भी हमारा मन करे, त्यौहार हो या ना हो, जब भी आपका कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो आप झटपट से मिठाई बना सकते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ये हमारा जो मिक्सचर है, और अब ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है, तो इसे हम थोड़ा सा और चलाएंगे और जब ये पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ देगा, ये देखिए ऐसे पूरा अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है यहाँ पर ये। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर। तो यहाँ पर आपको शुगर नहीं लेनी है, पिसी हुई चीनी लेनी है। तो आप शुगर पाउडर लेना है, तो आप चीनी लें, और अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप चीनी लें और चीनी को पीस लें मिक्सी में, क्योंकि अगर हम सिंपल शुगर लेंगे तो कैरमलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसके अंदर 4 बड़े चम्मच चीनी डालनी है, ये चीनी की मैक्सिमम क्वान्टिटी है। आप अगर आप ज़्यादा मीठा खाने वालों के लिए ये क्वांटिटी सही है, अगर आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो आप इसमें 3 चम्मच चीनी डालें, 3 चम्मच शुगर पाउडर डालें। तो यहाँ पर हमने शुगर पाउडर लिया है, चीनी नहीं लिया। अगर हम यहाँ पर शुगर डाल देते हैं तो उससे क्या है कि वो शुगर कैरमलाइज हो जाता है, तो ये जो हमारी मिठाई बनती है वो थोड़ी सी चिपचिपी बनती है और स्टिकी हो जाती है, परफेक्ट से वो कटती नहीं है। तो ये देखिए, अब हम इसको इसके अंदर मिला लेंगे। अब जो शुगर है वो थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, तो इस वजह से ये फिर से थोड़ा पतला हो जाएगा।
ये देखिए अब हमारा जो इसका शुगर का पानी भी जल गया है, तो फिर से जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल थिक होने लगा है और ये फिर से कढ़ाई को छोड़ने लगा है। ये देखिए आप देख रहे होंगे जो हमने घी डाला था वो भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, अब ये बिल्कुल चिकना नहीं लग रहा है जो हमारा खोआ है। जो अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि जो गैस है और हमारी कढ़ाई है वो गर्म है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर भी चलाते रहेंगे। और इसको एक बार गैस से उतारने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और इसको ऐसे थोड़ा फैला के इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो ठंडा हो जाएगा और ये देखिए कितना परफेक्ट है, ये कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है और अब ये स्टिकी भी नहीं है। ये देखिए पूरी तरह से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो अब हम इसे किसी भी बर्तन में जिसमें हमें अपनी बर्फी सेट करनी है उसके अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे आप कोई भी चोकोर, कोई जो बर्फी की प्लेट आती है, केक टिन आते हैं वो ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल थाली वगैरह उसमें भी आप इसको सेट कर सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो बहुत अच्छे से सेट होती है और उसे काटने में भी आसानी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिना बटर पेपर के बना के यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के पास बटर पेपर नहीं होता है। तो अब जो स्पैचुला है उसको भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर है उसको डाल देते हैं और अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, ये बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है और ना ये बहुत ज़्यादा चिकना है, जो बिल्कुल जो मावा होता है हमारा उसके जैसा। और ये देखिए अब ये थोड़ा सा पतला है, जब एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारी जो मिठाई है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं इस पर, ये थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल देते हैं। इसके ऊपर अब हम थोड़े से पिस्ता डाल देंगे। ये देखिए इसे भी हमने बारीक काट रखा है, इससे हम थोड़ा गार्निश करते हैं। यहाँ पे आप इसको अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो, आपको मिल जाए, तो आप इसके ऊपर वो भी लगा के इसको अच्छे से गार्निश कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो इसके जो ड्राई फ्रूट्स जो हमने इस पर डाले हैं वो अच्छे से इस पर चिपक जाए। ये देखिए ऐसे हम इसको थोड़ा सा दबाते हुए ऐसे सेट कर देंगे और अब इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे बाद देखेंगे कि हमारी मिठाई जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट जो इसका टेक्सचर है वैसा आया है, एकदम परफेक्ट है ये, ना ही ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही ये बहुत ही पतली है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। और जब आप बर्फियाँ काटेंगे तो बहुत आसानी से कट जाएंगी। ये देखिए ना तो हमारी बर्फी बहुत सख्त है और बिल्कुल मुँह में घुलने वाली एकदम सॉफ्ट बर्फी बनी है। तो ये हमारी बर्फी बनके तैयार है। तो इस त्यौहार के सीज़न आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और एक बार आप इसे बना लेंगे तो हर बार सोचेंगे कि मिठाई हम बाहर से क्यों लाएं, इसे झटपट 15 मिनट में घर पर ही बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर प्लीज़ एक बार इसे ट्राई कीजिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।